अगर आपकी स्किन ड्राई है, समय से पहले ही आपकी स्किन पर फाइन लाइन्स आ चुकी है, झुर्रिया है, स्किन पर चमक नहीं है, या फिर आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो चुके हैं, सो गाइस आज मैं आपको ऑयल बताने वाली हूँ जिसके यूज़ से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम दूर होगी। जैसे कि नाखून नहीं बढ़ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम भी दूर होगी, अगर फेस पर दाग धब्बे हैं तो दाग धब्बे भी दूर होंगे, और ये ऑयल सीरम का भी काम करता है। तो गाइस ये जो ऑयल है रॉ नेचुरल का है, स्वीट आलमंड ऑयल, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है ये। कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हमारी स्किन एंड हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो अगर स्किन पर यूज़ करना है तो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल ही यूज़ करें। सो गाइस ये ऑयल रॉ नेचुरल्स का है, प्योर आलमंड ऑयल है, शुद्ध बादाम का तेल है ये। तो बादाम का तेल हमारी स्किन को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प करता है एंड हमारे हेयर को हेल्दी बनाता है। तो गाइस बादाम के तेल में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, ई, डी, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, मैंगनीज, फॉस्फोरस, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। तो इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं बादाम के तेल में। तो बादाम का तेल हेयर ग्रोथ करता है, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हो चुके हैं या फिर हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर सफ़ेद बाल हो चुके हैं, तो गाइस आप बादाम के तेल से अपने स्काल्प पर मसाज करोगे तो आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी और बाल काले भी होंगे। तो बादाम के तेल को हेयर पर कैसे यूज़ करना है, तो एक चम्मच आप बादाम का तेल ले सकते हो और एक चम्मच नारियल का तेल ले सकते हो, दोनों ऑयल को मिक्स कर लीजिए और अपने हेयर स्काल्प पर मसाज करना है आपको। नाइट में हेयर स्काल्प मसाज करना बहुत अच्छा होता है क्योंकि दिन भर की थकान दूर हो जाती है। सो गाइस आप भी नाइट में ही हेयर मसाज करें और नेक्स्ट डे हेयर वॉश कर लें। अब हम बात करते हैं आलमंड ऑयल को स्किन पर कैसे यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन देखना है। वैसे तो आलमंड ऑयल ऑल स्किन टाइप वाले यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या फिर आपको कोई भी नट्स आप खाते हो उससे आपको एलर्जी होती है, तो फिर आप इस ऑयल को मत यूज़ कीजिए। सो गाइस जिन लोगों की ड्राई स्किन है उन्हें तो यूज़ करना ही चाहिए आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल फेस के दाग धब्बे को भी दूर करता है। आलमंड ऑयल को नाइट में यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि सबसे पहले हैंड को वॉश करना है एंड फेस को वॉश कीजिए। आपको 2 ड्रॉप आलमंड ऑयल की अपनी हथेलियों पे लेना है और हथेलियों पे रब करना है इस ऑयल को, ताकि ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए। फिर आपको अपने फेस पर इस ऑयल को लगा लेना है। ये ऑयल स्किन को डीप नरिश करता है। स्वीट आलमंड ऑयल स्किन को मॉइस्चर करता है, स्किन के दाग धब्बे को दूर करता है। और अगर आप डेली आलमंड ऑयल को अपने फेस पर यूज़ करोगे, नाइट में ही आपको ऑयल यूज़ करना है, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपको सीरम यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। रॉ नेचुरल स्वीट आलमंड ऑयल की हम प्राइस की बात करें तो ये ऑयल 100 ml 299 rupees का आता है, बट अगर आप इस ऑयल को ऑनलाइन परचेस करोगे तो आपको 180 rupees का पड़ेगा। सो गाइस इस ऑयल के साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, स्किन के लिए अच्छा है, बट जिन लोगों को नट्स से एलर्जी है, यानी कि बहुत से लोगों को काजू बादाम खाते हैं तो भी एलर्जी हो जाती है, तो उन लोगों को इस ऑयल से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये ऑयल स्किन पर एलर्जी भी कर देता है।